आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं, नहीं बताऊंगी, सोच लिए आप कितने टाइम हो रहे हैं। और आज है दिन संडे और तीज की तैयारी का पहला दिन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आज तीज की तैयारी, क्योंकि 9th को हरी कालिका है, इसलिए आज बाहर जाने वाली हूँ थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, यानी कि साड़ी वगैरह लेने के लिए। तो तीज की शॉपिंग शुरू हो चुकी है, आप सबके साथ हर चीज शेयर करूंगी। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भरे हुए हैं गोल्डी के राखी गिफ्ट को लेकर के, कि राखी में गोल्डी को क्या क्या मिला, सब कुछ शेयर करूंगी। लेकिन पहले चाय नहीं, पहले पानी फिर चाय, ठीक है? चलिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और अभी आप एक ही कप ट्रे में देख रहे हो, क्योंकि अभी मैं और अम्मा सिर्फ चाय पीने वाले हैं। गुड्डू अभी चाय नहीं पी रहे हैं, बोले हैं क्या कि नहीं, आराम से आज 10:30-11 बजे सो के उठूंगा, तो अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा। मोस्टली उनके साथ ही चाय पीती हूँ, लेकिन आज मैं और अम्मा के लिए चाय पी रहे हैं। थोड़ी देर आपके बाद जो है गुड्डू के लिए चाय बनाऊंगी। तो संडे है, एक्चुअली फंडे, तो वाकई आज फंडे करने जा रही हूँ। अभी जा रही थी चाय पीने के लिए, अंशु का टेस्ट है अभी। अंशु का मुझे बताया ही नहीं, मैं भी पूछी नहीं, बताया नहीं, आज 2 टेस्ट है 10:00 से है। तो उसके लिए सैंडविच बनाऊंगी जल्दी से और उसको दे दूंगी सैंडविच, ताकि टेस्ट के पहले खा ले, ताकि भूख ना लगे उसे। लेकिन बेटा का के लिए नाश्ता बनाना ज्यादा जरूरी था, तो अंशु को दूध, बॉर्नविटा दूध और सैंडविच दे करके आती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो आज का दिन का ऐसा है मेरा कि चाय मेरा अभी भी ढक के रखा हुआ है, और गुड्डू चले गए हैं वॉशरूम, तो अब उनके लिए भी चाय बना ही लेती हूँ, फिर साथ में ही चाय पी लूंगी, ठीक है? तो गुड्डू के लिए चाय बना लेते हैं। Oh, I gotta break.
बेटा लाइनिंग लगाना पड़ता है ना, ये सब में लाइनिंग लाइनिंग या फिर स्लिप्स टाइप क्या रेडीमेड स्लिप्स मतलब ब्लाउज देने गई थी तो अपना और अम्मा का ब्लाउज लेकर के आई हूँ। मेरा एक जींस था जिसको मुझे अल्टर कराना था तो वो देने गई थी। गोड़ अंशू गोली को गिफ्ट किया था उसका जो पैंट था उसका, उसको अल्टर कराने के लिए देना था, वो अल्टर करने के लिए दी। साथ ही साथ मैं अपना एक दो और भी छोटा चीज जो है वो सब अल्टर करके दे दी। फिर आ गई हूँ, उसके बाद आने के बाद बस लगे रहो मुन्ना भाई घर का काम दिस दैट वो सब में लगी हुई हूँ। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हो कि नाइट टाइम में क्या बना रही हो, तो रात में बना रही हूँ लिट्टी और बैगन का भरता। तो उसका मसाला वगैरह बना के रख चुकी हूँ, बस बैगन का भरता रात में बनाना है और लिट्टी बैगन का भरता अम्मा और गुड्डू खाएंगे, मैं सिर्फ लिट्टी जो है वो खाने वाली हूँ। सबका नाश्ता खाना सब कुछ हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने के लिए। तो आज जो मैं आप सबके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग देख करके सोचोगे छवि जी एक इसको लगाने से क्या होगा, लेकिन आप यकीन माने आप देख करके बेहोश हो जाओगे कि इसको लगाने से क्या क्या होता है। तो चलिए लगाते हैं। पैक को दो लोग लगाने वाले हैं, मैं भी और मीरा भी, आ जाओ मीरा। और इस पैक को बनाने के लिए फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है टमाटर, और जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है कॉफी। तो अभी मैं क्या करूंगी, कॉफी लूंगी और इसके अंदर डालूंगी। कहीं शादी पार्टी में जाने के पहले बस इसको अपने फेस पे जैसे मैं रब कर रही हूँ यानी कि टमाटर के ऊपर, थोड़ा सा कॉफी पाउडर डाले उसके अपने पूरे फेस के ऊपर 5 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करें, आपकी स्किन इंस्टेंट आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। और मीरा को मैं लगाई हूँ तो मीरा बोली अब तो दीदी मैं इसे रोज़ लगाने वाली हूँ, क्योंकि उसकी स्किन इतना ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो सुपर से भी ऊपर वाला है, आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो वीक में 3 डेज। 5 मिनट्स मैं अपने फेस के ऊपर इसे मसाज कर चुकी हूँ, उसके बाद जो है इसको मैं अपने पूरे फेस के ऊपर तकरीबन 20 मिनट लगा छोड़ूंगी। इसको आपको नेक पे भी लगाना है, मैं पीछे गोल्डी के मेल सुन रही थी, जो उसको इंटर्नशिप के मेल आ रहे हैं ना वो सब सुन रही थी। और इसको अब मैं अपने फेस के ऊपर तकरीबन 20 मिनट तक लगा छोड़ूंगी, उसके बाद अपने फेस को करूंगी वॉश, और वॉश करने के बाद आपको मैं आगे ब्लॉग में दिखूंगी, वॉश करके आपको नहीं दिखाऊंगी। ओके चलिए मिलते हैं, तब सार ले लेती हूँ उसके बाद। देखे मीरा देखो इधर आओ, इधर 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 ऑल वाह क्या बात है, पूरे फेस पे लगाई हुई है मीरा, अंदर यहाँ पे नहीं लगाई यहाँ, हाँ तो वहां पे तुमसे कोई खाना मांग रहा था क्या, यहाँ लगाई ही नहीं है, खाना मांग रहा था, नाक के ऊपर लगाओ, इस तरफ लगाओ, इस तरफ, हाँ तुम नीचे हाथ क्यों करती हो, ऐसे ना हाथ कर नीचे से, ऐसे देखो कैसे हम लगाते हैं, देखो ऐसे लगाते हैं, ये है ना ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं ऐसे, देखो हाथ को, देखो हाथ को बाएं से दाहिने घुमाओ, बाएं से दाहिने, तो दाहिने नहीं ऐसे, हाँ ऐसे, इसको ऐसे, हाँ ऐसे अब लगाए, हाँ इधर लगाओ, यहाँ यहाँ लगाओ, यहाँ हाँ, अभी पोछा उछा कर लेना तब चेहरा को धो लेना। मैं सुंदर सिर्फ क्यों रहूं, मेरा को भी सुंदर बना दूंगी। अभी देखिए आप कि मैं कैसी लग रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। इसके साथ इस मैक्सी ड्रेस के साथ बस कोई भी एक हेवी सा अगर आप इयररिंग पहन लेते हो, उसके बाद आप आराम से किसी भी पार्टी में, नाइट जो पार्टी होती है या फिर किसी के घर में अगर पार्टी वगैरह होती है उसमें आप जा सकते हो, कहीं भी आप गेट टुगेदर में जा सकते हो। आपको मैं कैसी दिख रही हूँ, लग रही हूँ ना बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, यस मैं अपने आप को भी बहुत स्मार्ट फील कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत फील कर रही हूँ। तो आप लोगों को जैसे मैं बोली थी कि अमेजोन से बहुत सारे मैं परचेस की हूँ और एक एक करके मैं आप सबके साथ अमेजोन हॉल लेकर के आऊंगी। तो सबसे पहले मैं 2 ड्रेस जो है वो अमेजोन से परचेस की हूँ, एक को मैं पहनी
धोई, फिर आयरन करने के वो दे दी, और मैं सोची थी कि आज मैं एक्चुअली उसे सोची थी कि इसे भी पहनूंगी और उसे भी पहनूंगी और दोनों पहन के आप सबको दिखलाऊंगी, लेकिन उसका अभी मैं आप लोगों को एक फोटो दिखला दूंगी, वीडियो आपको उसका दिखला दूंगी और उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आयरन होकर के आया ही नहीं है। तो जहां वो ड्रेस आएगा पहले आप लोगों को वो मीन्स ड्रेस पहन के रील्स भी बना दूंगी, ड्रेस पहन के आपको शॉर्ट्स भी मिल जाने वाले हैं, और उस ड्रेस में मैं आपको मीन्स जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना उसमें भी आपको दिखने वाली हूँ, और उस कुर्ते का लिंक भी मैं आपको आज के वीडियो में ही डालने वाली हूँ, और उस इस मैक्सी ड्रेस का भी लिंक आपको मैं इस वीडियो में डालने वाली हूँ। आप यकीन माने फर्स्ट टाइम मैं अमेजोन से कुछ ड्रेस परचेज की हूँ, इसके पहले मैं अमेजोन से कभी भी ड्रेस परचेज नहीं की थी, मैं हमेशा अमेजोन से इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किचन वेयर हो, या फिर बहुत सारा शॉपिंग करती हूँ, घर के सामान हो गए, ब्यूटी के प्रोडक्ट हो गए, मैं सब कुछ अमेजोन से मंगाती हूँ, लेकिन मैं फैशन का कभी भी परचेज नहीं की थी, झूठ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं परचेज की थी। जब आप लोगों के कमेंट आते थे ना कि छवि जी अमेजोन से परचेज कीजिए, अमेजोन हॉल बनाइए, अमेजोन के ड्रेस वगैरह कैसे होते हैं उसको बताइए, आप लोग आप जब बताओगे तभी मैं परचेज करूंगी, तो थैंक यू दिल से कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हो और मेरे चॉइस पे और मुझ पे इतना भरोसा करते हो, तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू। तो आज जो अभी मैं पहन के बैठी हूँ, जो अभी आप वीडियो में भी अभी आप आगे देखने वाले हो, आप यकीन माने जब इस ड्रेस को मैं परचेज की, और जब इस ड्रेस जब परचेज की तो भी मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा आएगा क्या आएगा, क्योंकि आप सबको जैसे मैं बताती हूँ कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि कॉटन कॉटन कॉटन, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ कॉटन में, लेकिन यकीन माने इस ड्रेस में मैं कॉटन से ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ये इतना स्मार्ट लग रहा है और लग ही नहीं रहा है कि मैं बॉडी के ऊपर कुछ पहनी हुई हूँ। बस इस ड्रेस को अगर आप पहनते हो, कुछ हेवी सा अगर आप पहन लेते हो, उसके बाद आप कहीं भी जाने के लिए रेडी हो जाते हो, हल्का सा अगर आपको न्यूड कलर का लिपस्टिक पसंद है तो न्यूड कलर का लिपस्टिक, या हल्का पिंक कलर का लिपस्टिक पसंद है तो कुछ पिंक कलर का लिपस्टिक, और जैसे मैं कुछ इस तरह से बिंदी जो है वो लगाई हूँ उसको आप लगा लेते हो, थोड़ा सा पाउडर लगाते हो और आप कहीं भी किसी भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हो। तो बात कर लेती हूँ इस ड्रेस की, तो जो ब्रांड है वो है आपको जनासिया वुमेन पॉली क्रेप फ्लेयर्ड कुर्ता, फ्लेयर्ड कुर्ता है ये, और जो मैं परचेज की हूँ, जो आप मुझे पहने देखे हो, वो आपको ग्रीन कलर में जो है वो मैं परचेज की हूँ। इसमें बहुत सारे कलर है, इसमें आपको पीच है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, लाइट पिंक है, और आप यकीन माने ये बहुत फास्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो मुझे जो पसंद आया है ग्रीन कलर, वो कलर सबसे ज्यादा स्टॉक आउट हो रहा है, फिर ब्लू स्टॉक आउट फास्ट हो रहा है, और येलो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो रहा है। वैसे आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप पसंद कर सकते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस कुर्ते को परचेज करो, बजट यार पैसा सोचो आप 459 रुपए में कहां मिलता है, 470 रुपए में कहां आपको एक मैक्सी ड्रेस आपको मिलता है, आप यकीन करें 470 रुपए में ये ड्रेस आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है, अमेज़न के सिवा और कहीं नहीं। आपको लगेगा कि यार छवि पॉली क्रेप क्या बात करती हो, आप यकीन माने आप कमेंट भी करोगे छवि पॉली क्रेप, मीन्स इसके जो फैब्रिक है ना, मीन्स ऐसा फैब्रिक है, इतना सॉफ्ट है, मीन्स मैं पहन के मुझे लग रहा है मैं पिछले 2-2.5 घंटे से पहनी हुई हूँ, और मुझे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आप मेरे जैसा मैक्सी पहनते हो, वन पीस पहनते हो, तो आप इसको पहन सकते हो। जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, तो एकदम हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसके नीचे साइकिलिंग शॉर्ट्स अगर पहन लेते हो तो आप आराम से घर के अंदर घूम सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि भैया कहीं कहीं कुछ दिख जाए, तो आप क्या नहीं, मैं क्या क्यों, आप मेरे जैसा कर सकते हो, आप चाहे तो इसके साथ एंकल लेंथ पहन सकते हो, या फिर मेरे जैसा आप नी लेंथ तक पहन सकते हो, यानी कि मैं क्या क्यों घुटने तक का, यहाँ तक का मेरे पास एक लेगिंग्स था, फोर्थ मेरे पास केपरी था, मैं उसको पहन ली हूँ उसके नीचे, और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पहनी हूँ। तो मैं प्लीज कहूंगी इसको तो आप जरूर परचेज करें, क्योंकि अभी गणपति आने वाला है, दीपावली आने वाली है, तो अगर आप अपनी बेटी को कुछ
अच्छा खूबसूरत सा देना चाहते हो तो आप उसको दे सकते हो, आप खुद के लिए परचेज कर सकते हो, और जब आप परचेज करोगे ना उसका दिल से आप मुझे थैंक यू बोलने वाले। आफ्टर वॉश की अगर आप बात करते हो तो जहां तक आप सबको पता है कि जब भी मार्केट से कुछ आता है तो जब तक मैं उसे धोती नहीं हूँ तब तक मैं उसे पहनती नहीं हूँ, तो इसको वॉश कर चुकी हूँ। सॉफ्ट कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट अगर आप यूज करते हो तो बेटर रहता है। इसके अंदर जो आपको फॉइल प्रिंट मिलता है थोड़ा सा भी नहीं गया है, वो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो फॉइल प्रिंट है उसके नीचे आपको यहाँ पर ऊपर में ये प्रिंट दिया हुआ है और नीचे में जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको लाइनिंग मिलती है, यानी कि थोड़ा सा भी, एक होता है ना कि बॉडी में आपके चुभना होता है चाहे कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आराम से आप अपनी बच्ची के लिए, खुद के लिए और किसी को गिफ्ट दे सकते हो। बात कर लेते हैं दूसरे कुर्ते की, जिसका वीडियो आपको यहाँ पर पिक्चर में लगा रही हूँ साइड में, सॉरी बोलूंगी फिर से, बहुत जल्द आपको मैं जैसे प्रॉमिस की हूँ वैसे दिखलाने वाली हूँ। अब बात कर लेती हूँ इस कुर्ते की, तो ये कुर्ता आपको प्योर कॉटन फैब्रिक में मिलता है और ये आप यकीन माने जैसे मैं इसकी दीवानी हो गई हूँ वैसे ही मैं इस कुर्ते की दीवानी हो गई हूँ। सारा अली खान, बहुत पहले एक पिक्चर में आप सारा अली खान को आप इस कुर्ते को पहने देखिएगा। जहां तक इस ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड का नाम है गो सिरी की, और इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इस ब्रांड के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं वैसे ही थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट कुर्ता नहीं है, स्ट्रेट फिट आपको कुर्ता मिलता है और नीचे आपको पैंट जो मिलता है ऐसा पैंट मिलता है लगता है जैसे आप टेलर मास्टर के पास देख करके अपने फिटिंग का जो है ना आप पैंट सिलवाए हो वैसा पैंट दिखता है, यानी कि एकदम स्मार्ट आपको पैंट मिलता है। प्योर कॉटन फैब्रिक आपको पैंट मिलता है, प्योर कॉटन फैब्रिक आपको कुर्ते का मिलता है, स्ट्रेट फिट मिलता है। अगर थोड़े हेवी हो, अगर आपका लोअर पार्ट थोड़ा हेवी है तो आपके लिए ये परफेक्ट कुर्ता होने वाला है, क्योंकि आप इसमें और भी स्लिम दिखने वाले हो। जहां तक इसके प्राइस की बात करते हो, प्राइस तो क्या पूछना, इसके भी प्राइस सुन के आप बेहोश हो गए, जैसे 469 यानी कि 470 रुपए भी ना भैया, एक रुपए कम, वैसे ही इस कुर्ते का भी प्राइस है 469 यानी एक रुपए कम। तो ये कुर्ता भी बहुत ही खूबसूरत है, तो कुर्ता है ये आपको इतना फेस्टिवल लुक देने वाला है, यानी कि इस कुर्ता को पहन लो, कोई भी आप हेवी इयररिंग पहन लो, अगर हेवी इयररिंग नहीं पहनते हो तो कोई हेवी सा जो है गले में आप पहन लो, छोटा सा कोई इयररिंग पहन लो, बिंदी लगा लो और आप रेडी हो जाने के लिए किसी के घर में, गेट टुगेदर में, किसी के पूजा में या फिर कहीं भी जाने के लिए। जहां तक बात कर लेते हो इसके मीन्स फैब्रिक की, तो जैसे मैं आपको बताई हूँ प्योर कॉटन है, थोड़ा सा भी रफ नहीं है। आफ्टर वॉश अगर मुझसे बात करते हो, जैसे मैं आपको बताई हूँ आयरन देख को भेज चुकी हूँ तो आया है, उसके बाद मैं एक बार पहन चुकी उसके बाद फिर से वॉश की, और मीन्स अभी तक इस कुर्ते को मैं दो बार वॉश कर चुकी हूँ, आफ्टर वॉश थोड़ा सा भी श्रिंक नहीं किया है, तो आप आंख बंद करके इस कुर्ते को भी ले सकते हो, खुद के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए या फिर किसी को फैमिली में गिफ्ट देने के लिए। तो आई होप कि मेरा ये आपको अमेजोन हॉल अच्छा लगा हो, और आप आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर ब्लॉग अच्छा लग गया हो, अमेजोन हॉल अच्छा लग गया हो, भर भर के अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बात और कहूंगी, दोनों कुर्ता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सीधा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाएं और जाके परचेज कर सकते हो, या फिर अमेजोन पे जाएं फटाफट, अमेजोन आप प्रेशर नहीं देंगे, नहीं तो डाउट हो जाएगा। ओके एक मिनट रुको, तो मैं दोनों कुर्ता के मीन्स एक मैक्सी ड्रेस के और उस कुर्ता का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कुर्ता को ढूंढने में, ठीक है। तो आई होप कि मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा ये भी बताइए, सबसे पहले तो बताइए कि आपको मेरा ये कुर्ता का पसंद और ये ड्रेस पसंद मेरा कैसा लगा, पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है वो बताइए, यानी कि आपके बजट में है या नहीं है। तीसरी बात बताइए कि ये ब्लॉग के बीच में जो ये प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ मैं आपके बारे में, आप जो भी मैं परचेस करती हूँ वो दिखलाती हूँ, वो आपको अच्छा लगता है या नहीं है। तो फ्यूचर में आप कौन कौन सा हॉल चाहते हो मुझसे ये ब्लॉग के अंदर, वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।